हमारे देश में केले की खेती बड़े पैमाने पे होती है, और जब केले की खेती होती है तो कोई ये सोच के नहीं करता है कि हम उसके कई सारे चीज़ें करें, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाएं। तो बेसिकली सिंपल है कि केले की खेती होती है सिर्फ उसके फ्रूट को लेने के लिए। तो किसान क्या करते हैं, उसको या तो डंप कर देते हैं रोड साइड में, या फिर उसको जला देते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या को पैदा करता है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें होती देखी तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में कुछ किया जाए। तो फिर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पेपर में था, तो मुझे लगा कि इससे हाई क्वालिटी पेपर बन सकता है। डॉक्टर मदन मीणा, जो आदिवासी एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इनवाइट किया इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। हमने लोकल किसानों के साथ मिलकर के इसमें कैसे आगे काम किया जाए इसकी प्रक्रिया शुरू की। तो उसमें क्या होता था, मैंने देखा कि किसान जो हैं वो जो स्टेम को फेंकने के लिए मजदूरों को पैसा देते थे, जो कि उनके लिए एक आर्थिक बर्डन था। तो इस समस्या को भी हमने दूर किया। हमने किसानों से कहा कि आप जो पैसे दे रहे हो मजदूर को वो मत दो, हम देते हैं उसके बदले, और वो स्टेम आपसे हम ले लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो एक तरह से जहाँ किसानों का एक्स्ट्रा पैसा लगता था वो बच रहा था, वहीं जो लोकल मजदूर थे उनकी आमदनी भी हो रही थी। तो पेपर बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है स्टेम है। उस स्टेम से हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। फाइबर एक्सट्रैक्शन के बाद उसको धूप में सुखा दिया। सुखाने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, फिर उसको हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको हम बॉईल करते हैं। तो इस बॉइलिंग प्रोसेस में 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसके बाद हम फिर से फाइबर को साफ करते हैं, धोते हैं। धोने के बाद ये पल्प बनने के लिए रेडी है। के बाद हम बीटिंग प्रोसेस में ले जाते हैं, जिसमें उसको एक फाइन पल्प में कन्वर्ट करते हैं। टंकी होती है जिसमें पहले से पानी होता है, उसमें हम उस पल्प को ऐड करते हैं। वो रेशियो डिपेंड करता है कि हमें हमें किस टाइप के या किस थिकनेस का पेपर शीट चाहिए।
प्रेस मशीन में ले गए जहाँ से वो पल्प जो है वो फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो गया। उस शीट को हम धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद वो पेपर रेडी है। अब उसमें जो टेक्सचर है, अगर हमें टेक्सचर पेपर चाहिए तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, बट अगर राइटिंग पर्पज़ के लिए चाहिए होता है तो हम उसको हम कैलेंडरिंग के थ्रू उसका टेक्सचर रिमूव करते हैं और पॉलिश्ड पेपर, फिनिश्ड पेपर हमारे पास आता है। बनाना हैंडमेड पेपर रेडी होने के बाद हम उस पेपर से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके हैंडमेड डायरीज बनाते हैं, जर्नल्स बनाते हैं, उसके कई पैकेजिंग प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू किया है अभी। और ये सारे प्रक्रिया में इस फार्म से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक यहाँ के लोकल कम्युनिटी ही इसको कर रही है।